आज मैं आपको मैथ्स का टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण बताऊंगी। दो चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए चर क्या होते हैं। चर किसे कहते हैं? किसी भी समीकरण में अज्ञात राशि को हम चर कहते हैं। कोई समीकरण हो जिसमें अज्ञात राशि हो उसको हम चर बोलते हैं। जैसे 2x + 3 = 0, तो इसमें अज्ञात राशि x है, तो अज्ञात राशि यहाँ पर क्या कहलाएगी? चर कहलाएगी। रैखिक समीकरण, नेक्स्ट हमारे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसी भी समीकरण में यदि चर की घात एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में चर x है, x की घात क्या है? एक है, इसलिए ये समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। हमें किस पर सोच कर, हमारा जो टॉपिक है वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो हमें इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, चर ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और प्रत्येक चर की घात एक हो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की डेफिनेशन क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या डेफिनेशन होगी? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो वो प्रत्येक चर की घात दो हो। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो वह प्रत्येक चर की घात एक हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये सामान्यतः इस फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0। ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, ए बी सी अचर राशियां रहेगी, एक्स और वाई चर राशि रहेगी। ये समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप कहलाता है। सारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण जनरली इसी फॉर्म में देखने को अपने को मिलते हैं। उसके बाद दो चरों, इसके आगे का जो टॉपिक है, दो चरों के रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। जब भी दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करना होता है तो ये सदैव युग्म के रूप में होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जब भी हमें हल करना होता है ये सदैव युग्म के रूप में पाया जाता है। इस तरह से a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 युग्म के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको युग्मक समीकरण भी बोलते हैं या समीकरण निकाय में बोलते हैं। युग्म के रूप में पाया जाता है इसीलिए इसको युग्मक समीकरण भी बोलते हैं। इनको हल करने के लिए हम तीन विधियों पर अध्ययन करेंगे। इनको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? तीन विधियां। तीनों विधियों के द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। हल करने का मतलब है दो अज्ञात राशियां x और y, इनका मान ज्ञात करना। तो अज्ञात राशि x और y को मान ज्ञात करने के लिए हमें तीन विधियों का उपयोग करना होगा। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है विलोपन विधि, सेकेंड मेथड वस्त्र गुणा विधि, थर्ड मेथड आलेखी विधि, सर्वप्रथम हम विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे। विलोपन विधि दो प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन विधि गुणांकों को समान करने की, प्रतिस्थापन विधि गुणांकों को समान करने की विधि,
विलोपन विधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रतिस्थापन विधि गुणांकों को समान करने की। युगपत समीकरण को हल करने की तीन विधियां विलोपन विधि, वज्रगुणा विधि, आवेशी विधि। विलोपन विधि दो प्रकार से, प्रतिस्थापन विधि गुणांकों को समान करने की विधि। एग्जाम में जब नाम आए विलोपन विधि से तो आप इन दोनों से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्पीच में नाम आए प्रतिस्थापन विधि तो आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करोगे। गुणांकों को समान करने की विधि अगर नाम आता है तो इससे हल करोगे। तो सर्वप्रथम जो हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम जो आज स्टडी करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में युगपत समीकरण को हल करना है, क्योंकि हमें पता है कि युगपत समीकरण में दो इक्वेशन होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसके कुछ मेथड है, कुछ स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि टू इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन समीकरण एक से, समीकरण एक से किसी चर का मान अन्य चरों के रूप में ज्ञात करते हैं, अन्य चरों के रूप में ज्ञात करते हैं। दूसरा स्टेप, समीकरण एक से किसी चर का मान ज्ञात करते हैं। चर जनरली हम x का मान ज्ञात करते हैं, समीकरण किसी भी चर x का भी ज्ञात कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसका करेंगे, x का। तो समीकरण एक से किसी चर x का हम मान अन्य चर मतलब y के रूप में, अन्य चर मतलब y के रूप में प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पे y भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली इसी तरह से वर्क करते हैं। समीकरण एक से किसी चर x का मान अन्य चर y के रूप में प्राप्त करते हैं। प्राप्त चर का मान, प्राप्त चर x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण दो में प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने के बाद समीकरण दो रेखीय समीकरण बन जाती, एक चर वाली। चर x का मान अगर समीकरण दो में हम प्रतिस्थापित करते हैं तो जो समीकरण एक है, समीकरण दो है, वो रेखीय समीकरण बन जाती एक चर वाली। एक चर वाली रेखीय समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। एक चर वाली रेखीय समीकरण को हल कर लेते हैं, रेखीय समीकरण को हल करके प्राप्त मान को प्राप्त मान से अन्य चर का मान प्राप्त कर लेते हैं, अन्य चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या है, समीकरण x से किसी चर x का मान ज्ञात करते हैं, उसे अन्य चर के रूप में ज्ञात करते हैं। समीकरण एक से किसी भी चर का मान अन्य चर के रूप में मतलब अदर फॉर्म में आता है। उसके बाद प्राप्त x का मान समीकरण दो में हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक चर वाली रेखीय समीकरण को हल करने से प्राप्त, यहाँ से जब हम समीकरण दो में x का मान सब्स्टिट्यूशन करते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं तो उस समय हमें एक चर वाली रेखीय समीकरण प्राप्त होती है। उस एक चर वाली रेखीय समीकरण को हम हल करके जो भी x का मान प्राप्त होता है या y का मान प्राप्त होता है उसे समीकरण नंबर दो में या अन्य चर उसकी सहायता से हम अन्य चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको ज्ञात करने ये विधि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा स्पष्ट होगी, इसीलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे आपको थ्योरी है समीकरण, वैसे इसकी स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है
एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई, फिर उसके बाद जो एक्स की वैल्यू की सेकंड इक्वेशन में पुट अप करनी है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या मेथड रहेगा, ये तीनों स्टेप का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि, क्वेश्चन ये है निम्न समीकरण या निम्न युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। प्रश्न ये है निम्न युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अपन को हल करना है। कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ये विलोपन विधि का एक प्रकार है, इसके द्वारा हल अपन को करना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर एक और सेकंड को समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक से फर्स्ट स्टेप का आपको फॉलो करना है। समीकरण एक से चर x का मान इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट करेंगे। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप का फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख दिया हमने, समीकरण एक से x का मान ज्ञात करने पे, मान ज्ञात करने पे कैसे करेंगे देखो, समीकरण एक से तो पहले समीकरण एक क्या लिख दो, किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो x इधर रहेगा और ये उधर चला जाएगा। जो भी ये मान आ गया x का मान इन टर्म्स ऑफ y, इसको समीकरण नंबर तीन लिखेंगे। प्राप्त x का मान समीकरण नंबर किस में रखना है, दो में। प्राप्त x का मान समीकरण नंबर दो में रखना है। ये सेकंड स्टेप आ गया कि मैं सेकंड स्टेप में ये लिखा था x का मान, जो भी चर का मान आता है वो सेकंड इक्वेशन में लिखना है। ये सेकंड स्टेप आ गया, तो सेकंड स्टेप अपन यहाँ पे लिखते हैं समीकरण तीन से प्राप्त x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ पे अपन से पता लिखेंगे समीकरण एक तीन व समीकरण दो से, क्या है ये, समीकरण तीन से प्राप्त x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले समीकरण नंबर दो लिख दो। अब किसका मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, x का, तो x की जगह ये लिख दो, ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा 11 माइनस तीन वाई माइनस वाई बराबर 5, मल्टीप्लाई होगा ये 44 माइनस तीन चौ 12y माइनस वाई बराबर 5। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप आएगा। ये रैखिक समीकरण बन गई, ये चल माइनस 12y और y कितने हुए, माइनस 13y बराबर 5। ये रैखिक समीकरण बन गई, इस रैखिक समीकरण को आपको हल करना है। कैसे हल करते हैं, चर एक तरफ और अचर एक तरफ, ये चर इधर आएगा और अचर को उधर भेज दो, माइनस 13y बराबर 5 माइनस 44, माइनस 13y बराबर माइनस का 39, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 39 बट्टा 13, 13 किया 39, तो y का मान क्या आ गया 3। अब प्राप्त एक चर का मान प्राप्त हुआ है, अपन को x और y दोनों का मान ज्ञात करना है, तो प्राप्त y का मान समीकरण नंबर तीन में प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण एक में कर दो, दो में कर दो। जनरली अपन प्राप्त y का मान समीकरण नंबर तीन में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको समीकरण नंबर चार लगा देंगे। समीकरण चार से प्राप्त y का मान समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण चार व समीकरण तीन से x बराबर 3 इंटू 3, y का मान 3 आया 11 माइनस 9, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 2। इस तरह से इस प्रश्न को हल करने पर x व y के मान 2 व 3 प्राप्त हुए। आगे आप यहाँ पे आंसर लिखना कि समीकरण या युगपत समीकरण को हल करने पर x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त हुआ। ये प्रतिस्थापन विधि, इसमें तीनों स्टेप यूज हुए। फर्स्ट स्टेप हमने समीकरण एक से x का मान ज्ञात किया, सेकंड स्टेप जो प्राप्त x का मान है वो समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दिया, थर्ड स्टेप
यहाँ पे लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण मिल गई, और जब रैखिक समीकरण मिल गई तो इससे हमने किसी एक चर का मान प्राप्त कर लिया, और इस प्राप्त चर के मान से अन्य चर का मान भी प्राप्त कर लिया। ये आपके प्रतिस्थापन विधि हो गई। इसी पर आधारित मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि पर आधारित। प्रतिस्थापन विधि पर आधारित एक क्वेश्चन आप लोग हल करना। निम्न युग्मक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना। Thank you.